अम्बाला के शहजादपुर थाने में रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है और यहां पर एक महिला एएसआई और एक महिला हेड कांस्टेबल ने जमीनी विवाद के समझौते करवाने के लिए इसी के नाम पर 20,000 रुपए रिश्वत मांगी और एसीबी की टीम ने इन दोनों को रिश्वत के 10,000 रुपए सहित गिरफ्तार कर लिया है। सेवा सुरक्षा सहयोग का नारा देने वाली हरियाणा पुलिस में कुछ ऐसी काली भीड़े हैं जो सेवा सुरक्षा सहयोग के नारे को तो झूठा साबित कर ही रही हैं, साथ ही ईमानदार अधिकारी और कर्मचारियों पर सवालिया निशान भी लगाकर जनता के भरोसे को भी तार तार कर रही हैं। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो इन दिनों एक्टिव नजर आ रहा है। बीते दिनों शिक्षा विभाग, वन विभाग, पुलिस विभाग के कर्मचारी और पटवारी रिश्वत मांगते और लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जा चुके हैं। इस बीच एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा अम्बाला के शहजादपुर थाना में तैनात एक महिला एएसआई और एक महिला हेड कांस्टेबल को रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में जानकारी देते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो की इंस्पेक्टर बिमला ने बताया कि विशाल नाम के युवक ने शिकायत दी थी कि थाना शहजादपुर में एएसआई कुलविंदर कौर और हेड कांस्टेबल गीता ने उनसे जमीनी मामले में समझौता करवाने की एवज में 20,000 रिश्वत की मांग की है, जिसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जाल बिछाया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम जब इन्हें मेडिकल जांच के लिए हॉस्पिटल लेकर आई तो मीडिया को देख ये रिश्वतखोर महिला दौड़ते हुए नजर आई। इन्हें एक प्लाट के संबंध में शहजादपुर थाने में एक दरखास्त आई थी विशाल की, तो उसका उनका फैसला कराया था, उस संबंध में ये उन्होंने 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी। एएसआई कुलविंदर कौर और हेड कांस्टेबल गीता 10,000 रुपये में रंगे हाथों पकड़ गए। कितने 1,000 रुपये मांगे थे? 10,000 रुपये प्लाट का, प्लाट का किसी का नाम किसी और के था, कब्जा किसी और का था उसके संबंध में। फिलहाल एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने हेड कांस्टेबल गीता से रिश्वत के 10,000 रुपये बरामद कर लिए, आगामी कार्रवाई शुरू की है। अम्बाला से कृष्ण बाली, टोटल न्यूज़।